Hello guys, my name is Muneeb and you are watching Gadgetarena. Guys, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Samsung A51 जो कि Samsung का लेटेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस है और दूसरी तरफ जो उनका उसके मुकाबले में फ़ोन है वो है Samsung A70, वो भी Samsung का फ्लैगशिप डिवाइस है। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक दफ़ा मेरे चैनल पर विज़िट करें, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, जो हमें सैमसंग A51 में UI यानी कि यूज़र इंटरफेस देखने को मिलता है वो सैमसंग का लेटेस्ट वन UI 2.0 है, और जो इनका OS है वो एंड्रॉयड 10 है जो कि वो भी लेटेस्ट है। और दोस्तों, दूसरी तरफ जो सैमसंग A70 में हमें OS देखने को मिलता है वो एंड्रॉयड 9 है, और जो यूज़र इंटरफेस देखने को मिलता है वो वन UI है जो कि सैमसंग का रिसेंट लॉन्च किया हुआ यूज़र इंटरफेस था। गाइस, जो हमें सैमसंग A51 में चिपसेट देखने को मिलता है वो सैमसंग का लेटेस्ट चिपसेट एक्सनोइस 961 है जो कि 10 नैनोमीटर पे बेस्ड है। और दूसरी तरफ जो सैमसंग का हमें A70 देखने को मिलता है वो स्नैपड्रैगन 675 है जो कि 11 नैनोमीटर पे बेस्ड है। जो हमें CPU देखने को मिलता है सैमसंग A51 में वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है 2.3 GHz का। और दूसरी तरफ जो हमें सैमसंग A70 में देखने को मिलता है वो भी ऑक्टा कोर है लेकिन 2 GHz का। जो इसमें GPU देखने को मिलता है सैमसंग A51 में वो MALG-72 है MP3। और दूसरी तरफ सैमसंग A70 में जो GPU देखने को मिलता है वो 612 है, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस सैमसंग A50 की निस्बत ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप सैमसंग A70 को रिकमेंड करूंगा मैं आपको। जो सैमसंग A51 में डिस्प्ले साइज़ है वो 6.5 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले है, और दूसरी तरफ जो सैमसंग A70 में है वो 6.7 इंच का फुल HD डिस्प्ले है। तो गाइस, अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं या फिल्म्स देखेंगे तो आपको बेटर एक्सपीरियंस A70 में देखने को मिलेगा। गाइस, अगर इनके वेट की बात करें तो सैमसंग A50 में वेट इसका 172 ग्राम है, और जो सैमसंग A70 में है इसका वेट 183 ग्राम्स है। गाइस, अगर इनके कैमरा की बात करें तो सैमसंग A50 में क्वाड कैमरा सेटअप है और सैमसंग A70 में ट्रिपल कैमरा सेटअप है। सैमसंग A51 में फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, और दूसरी तरफ सैमसंग A70 में भी फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, और दूसरी तरफ रियर कैमरा सैमसंग में क्वाड कैमरा सेटअप है जी, तो उनके 48 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर एंड 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है। और दूसरी तरफ सैमसंग A70 में 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप हमें देखने को मिलता है। गाइस, अगर इनकी रैम और रोम के बारे में बताएं तो गाइस, जो सैमसंग ने पाकिस्तान में अपना सिर्फ एक ही वेरिएंट लॉन्च किया है वो वेरिएंट रैम 6 GB रैम विद 128 GB रोम है। और इसी तरह सैमसंग A70 में भी पाकिस्तान में सैमसंग ने अपना एक ही वेरिएंट लॉन्च किया है वो भी सेम रैम के साथ और सेम रोम के साथ, 6 GB रैम और 128 GB रोम। अगर इन फोन की बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो सैमसंग A51 में 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 15 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, और दूसरी तरफ जो सैमसंग A70 में हमें बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है वो 4500 mAh की बैटरी है जो कि हमें 25 वाट पे फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती दिखाई देती है। इसी वजह से सैमसंग A70 का वेट भी ज़्यादा है सैमसंग A51 के नस्बत। तो गाइस, इनके प्राइसेस की बात कर ली जाए, गाइस सैमसंग A51 को हमें मार्केट में इजीली 50,000 टू 53
थाउजेंड के दरमियान हमें इजीली अवेलेबल होगा मार्केट में। और दूसरी तरफ सैमसंग A70 की बात करें तो ये मार्केट में इजीली 55,000 टू 60,000 के दरमियान आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा।